स्टूडेंट नमस्कार, आर्यभट्ट एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है क्लास इलेवेंथ का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है एक्सरसाइज 3.1 का आज का वीडियो देखेंगे हम लोग, और उसमें से क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। तो आज का जो इस वीडियो में क्वेश्चन रहेगा 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले कि हम इन चार क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है, इससे पहले कि आप क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन 3 को हम सॉल्व करने से पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, और चाहे तो अपने बुक से भी मिला सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और कह क्या रहा है इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 जो है कह रहा है कि ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अर्थात यह कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 मिनट में कोई पहिया है 360 रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है, 360 चक्कर पूरा कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा। तो सबसे पहले 1 मिनट में हम 360 रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा ये पता करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्यूशन से होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 360 रिवोल्यूशन हो रहा है, यानी चक्कर पूरा कर रहा है 1 मिनट में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन वन मिनट इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। तो 1 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो हम यहां पर 1 मिनट के बदले में हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहां 60 सेकेंड इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को हम आर लिख सकते हैं, लिख रहे हैं यहां पर, क्योंकि एरो लगा देते हैं, आर पर रिवोल्यूशन हो गया। क्योंकि 60 सेकेंड इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, तो यहां 1 सेकेंड इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे पहले कितना रिवोल्यूशन होगा। तो यहां 60 मल्टीप्लाई है, रिवोल्यूशन की तरफ जाएगा, इक्वल टू की राइट तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और इसको कटिंग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, और 36 है, 6 से कटेंगे कटाएंगे तो ये 6 टाइम जाएगा। अर्थात 1 सेकेंड में हमारा 6 रेवोल्यूशन हुआ। अब ये जानते हैं हम एक रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, एक रिवोल्यूशन इक्वल टू 360। तो हम 360 को 1 1 नहीं 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 360 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, यानी 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 360। अब हम 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई लिख रहे हैं, तो 6 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो 1 सेकेंड इक्वल टू हम 6 रिवोल्यूशन के न लेकर हम 2 पाई लिख देंगे, रिवोल्यूशन के बदले में हम यहां पर 2 पाई लिख देंगे, तब जाकर हो जाएगा ये 1 सेकेंड में हमारा 12 पाई, ये रेडियन में हो जाएगा, रेडियन।
फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं एक मिनट में 360 रोटेशन हो रहा है, तो एक मिनट के बजाय हम 60 सेकेंड लिख दिए हैं, 60 सेकेंड में 360 रोटेशन होगा, रोटेशन को हम आर से इक्वल टू कर रहे हैं, और 60 सेकेंड इक्वल टू 360 रोटेशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू होगा 360 बाई 60 रोटेशन, और 360 में हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 रोटेशन हो गया। अब हम चूंकि जानते हैं कि 1 रोटेशन इक्वल टू 360 होता है डिग्री, ये कैसे होता है, रोटेशन का मतलब एक चक्कर होता है, एक सर्किल है, अब जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर घूम फिर कर आएगा, तो ये 360 का चक्कर लगाता है, यानी एक कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का होता है, और उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, और 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, यानी 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 यानी 2 पाई, और रिवोल्यूशन के बदले में हम 2 पाई लिख सकते हैं, और 1 सेकेंड इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करने पर 12 पाई आएगा रेडियन में, ये रेडियन में ही क्वेश्चन पूछा था। अब इसको चाहे तो उतार सकते हैं या फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी तरह देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 को पढ़े हैं स्क्रीन पर लेकर या बुक से, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखेंगे। क्वेश्चन कहा क्या रहा है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, अपने बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन 1 आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 22/7। हाँ, इसको हम देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक कोई एंगल से डिग्री है, मेजर करना है उसको, जबकि एंगल सस्टेंड कर रहा है एक सेंटर से रेडियस है 100 सेंटीमीटर का, और वो आर्क उसका बना रहा है 22 सेंटीमीटर का। कहने का तात्पर्य ये है कि एक हमारा ये सर्किल है, ये क्या है सर्किल, सर्किल का एक सेंटर है, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो डिस्टेंस खींचा जाता है वो रेडियस कहलाता है आर, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, जो 100 सेंटीमीटर का है, जो रेडियस है 100 सेंटीमीटर का है, और जो है आर्क बना रहा है किसी एंगल से, जो ये आर्क बना रहा है 22 सेंटीमीटर का बना रहा है, तो ये एंगल है कितना बना रहा है, ये हमें एंगल डिग्री में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं कि कोई रेडियस और आर के दिया रहे तब हम थीटा पर पता करना रहता है, तो इस फॉर्मूला से करते हैं। वी नो डेट क्या जानते हैं हम, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बाई आर भी कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है, तो इसको हम एल या एस किसको कहते हैं, तो इस आर्क को डिनोट कर रहा है, जो यहां से यहां तक आर्क गया है इसको एल या आर एस से डिनोट करते हैं, और ये रेडियस जो है हमारा आर से ही डिनोट करते हैं, तो एल का वैल्यू 22 है, आर का वैल्यू 100 है, तो हम इस फॉर्मूले पर हम थीटा पता कर देंगे जो कि रेडियन में आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो थीटा इक्वल टू एल का वैल्यू हम 22 रखेंगे और आर का वैल्यू ये है 100 रखेंगे, तो ये आया इतना रेडियन आया, तो रेडियन आया तो हमें रेडियन में नहीं पता करना है, हमें किस में पता करना है, डिग्री में पता करना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू, पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में हम लोग, पिछले क्वेश्चन में भी, रेडियन से हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 बाई पाई डिग्री, यानी रेडियन के बदले में हम 180 बाई पाई लिख सकते हैं, अब ये रेडियन में ही है, तो रेडियन के बदले में हम कितना लिख सकते हैं 22 अपान में 100 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। अब ये क्या करेंगे हम, पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं,
तो यहाँ पाई न लेकर 22 सेवन चला जाएगा ऊपर, ये 22 से ये 22 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, हम थीटा इक्वल टू चूंकि जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो से जीरो पहले कटा देते हैं, फिर ये टू से कटाएंगे तो ये फाइव होगा, ये नाइन होगा। तो इस प्रकार थीटा इक्वल टू 63/5 डिग्री हुआ। लेकिन ये फ्रैक्शन में, हम फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, मिनट में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा ये होगा क्या। ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 को मिटाते हैं और यहीं पर हम सोल्यूशन करेंगे और इस फिगर को भी मिटाते हैं। थीटा इक्वल टू 63/5 डिग्री है, तो सबसे पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड करेंगे, 5 1 5 1 और 3 बचेगा, 5 2 10 3 बचेगा, तो इतना डिग्री होल 3/5 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ 3/5 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हम होल नंबर में लिखने की कोशिश करेंगे। 22 डिग्री और 3/5 है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कटेगा 12 टाइम्स में, 12 5 60 होगा और 12 में हम 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिग्री और 12 3 36 मिनट। इस प्रकार जो हमारा एंगल जो आएगा थीटा इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि हो भी गया होगा, चाहे तो इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थीटा इक्वल टू 12 डिग्री एंड 36 मिनट, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, इसको भी हम पहले पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले। सबसे पहले कि क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं, रीड करते हैं, आप लोग भी मिलाते रहिए। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनर आर्क ऑफ द कार्ड। यानी एक सर्किल है, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कार्ड जो है 20 सेंटीमीटर है, और जो मिनर आर्क बन रहा है, जो आर्क बन रहा है उस पर कितना बन रहा है ये पता करना है, उस पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको सर्किल को हम बनाते हैं, ये हमारा सर्किल है और ये सेंटर है, तो ये हमारा, और ये हमारा, ये भी एक डायमीटर है 40 सेंटीमीटर का है। ये जो क्वेश्चन में कहा है डायमीटर 40 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और जो इसका एक कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर का है, यानी इस पर एक, यहीं से हम एक कार्ड बना देते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर का। अब देखिएगा, दिया है, ये क्वेश्चन 5 है, दिया है क्वेश्चन में कि जो डायमीटर है, यहां पर गिवन लिखते हैं, गिवन डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं 2R इक्वल टू डी होता है, 2R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू 40/2 अर्थात 20 सेंटीमीटर। R हमारा निकल गया यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर R इक्वल टू, और ये हमारा कार्ड भी 20 सेंटीमीटर दिया है, और यहां से ही R 20 सेंटीमीटर, देखिए R 20 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये भी R 20 सेंटीमीटर और हमारा ये कार 20 सेंटीमीटर, तो जो ये हमारा ट्रेंगल टाइप का बन जा रहा है, ये R 20 सेंटीमीटर, ये भी R 20 सेंटीमीटर और ये कार 20 सेंटीमीटर,
तो ये हमारा एक ट्रेंगल जैसा बन जा रहा है, और तीनों साइड जो है इक्वल है, 20 सेंटीमीटर का है। तो तीनों साइड जो 20 सेंटीमीटर का है इक्वल होने की वजह से इक्वालेटरल ट्रेंगल बन रहा है, और इक्वालेटरल ट्रेंगल में तीनों एंगल जो होता है इक्वल होता है। जब तीनों एंगल इक्वल होगा तो 60 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये इसलिए 60 डिग्री का होगा क्योंकि किसी भी ट्रेंगल का तीनों एंगल मिलकर 180 होता है, और जब तीनों बराबर होगा तो 60 60 का होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जब 60 60 सभी बराबर हो रहे हैं तो यहाँ सेंटर पर भी 60 डिग्री बनेगा, अर्थात हमारा थीटा जो पता हो जाएगा 60 डिग्री पता हो जाएगा। थीटा कितना पता होगा? 60 डिग्री। कहाँ से? इक्वालेटरल ट्रेंगल से। लेकिन ये डिग्री में आया है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि रेडियन में फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है रेडियन में, रेडियन इसलिए फाइंड करना है क्योंकि तो हमें कॉट पता करना होगा। तो कॉट से आर्क पता करना होगा, तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसलिए होता है यह ऐसा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री इक्वल टू 60 × π/180 रेडियन। तो यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये 180 60 से कट जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखिएगा बात को कि थीटा इक्वल टू ये रेडियन में आ गया, और हम एक फॉर्मूला और जानते हैं जो आर्क और रेडियस के रिलेशन को, रेशियो को थीटा बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू इस प्रकार हो जाता है एल बाई आर। एल है, यही आर्क है हमारा। एल क्या है? आर्क है। आर रेडियस आप लोग जानते ही हैं, और ये थीटा जो है एंगल है, जो अभी आया है पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू, रेडियन छोड़ देते हैं, एल को हम एल रहने देते हैं क्योंकि यही पता करना है। आर का वैल्यू जो आया है हम लोग का पहले ही पता चल गया है 20 सेंटीमीटर, 20 लिखते हैं, 20 को ट्रांसफर करेंगे इधर होगा 20 π/3 हो जाएगा एल। जो हमारा एल आया कितना आ जाएगा? 20 π/3, यही हमारा आर्क आएगा। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये इस प्रकार। एक बार और इसको दोहरा देते हैं, डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस उससे हमारा 20 आएगा, और हमारा कार्ड भी 20 सेंटीमीटर दिया है, दो तरफ से रेडियस एक तरफ से कार्ड है, हमारा ट्रेंगल बनेगा 20 20 20, यानी इक्वालेटरल ट्रेंगल। एंगल भी होगा सभी 60 डिग्री का होगा, यानी हमारा जो सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा 60 होगा। 60 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, पाई बाई 3 रेडियन आएगा। ये थीटा का वैल्यू है, थीटा का फॉर्मूला हमें एल बाई आर होता है, जो कि आर हम पता कर सकते हैं, और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 अभी फाइंड किए थे। इसको रखे एल इक्वल एल बाई 20 लिखे, 20 को भेज दिए पाई बाई 3 की तरफ, मल्टीप्लाई हो गया 20 π/3 एल इक्वल टू होगा, यानी आर्क जो हमारा आएगा 20 π/3 होगा। अब क्वेश्चन हम 6 पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है, तो इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे आप लोग, नीचे पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, या बुक से मिलाते भी रहिएगा। इफ इन टू सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ सस्टेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 एट द सेंटर्स, यानी दो सर्किल्स हैं जिनके आर्क जो है सेम है, और वो जो एंगल बना रहे हैं सेंटर पर 60 का और 75 का बना रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि दो सर्किल्स हैं, सर्किल देखिए, ये सर्किल एक ठो है, ये C1 है, और दूसरा सर्किल ये C2 है। इसका सेंटर है यहाँ O डैश, इसका सेंटर है यहाँ O। तो यहां पर 60 डिग्री बना रहा है एक आर्क ऐसे, और यहां पर भी एक आर्क बना रहा है 75 डिग्री का। ये दोनों आर्क सेम है, ये दोनों आर्क कितना है? सेम है।
तो पूछ रहा है कि ये R1 है और R2 है, इनके रेशियो कितने होंगे एक दूसरे से, और ये रेशियो बताना है R1 R2 का। तो हम यहां पर लेट भी कर सकते हैं, माना लेट भी टू सर्किल C1 एंड C2 है रिस्पेक्टिवली, रेडियस R1 एंड R2, अर्थात दो सर्किल्स हैं C1 C2, इनके पास दो ठोस रेडियस भी है R1 और R2, और एंगल भी है थीटा 1, 60 डिग्री है, थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री। इसमें पूछ रहा है कि R1, ये इस मार्ग में लिखते हैं R1 रेशियो R2 बताना है क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम थीटा को एंगल में, थीटा को जो दिया हुआ है डिग्री में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, थीटा 1 इक्वल टू 60, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट होगा, 60 से 180 कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3π/3 रेडियन होगा। इसी तरह हम θ2 को हम कन्वर्ट करेंगे 75 डिग्री को, तो इसमें भी π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट होगा। अब ये 15 से कटाएंगे 5 टाइम्स में, ये होगा 12 टाइम्स में, यानी 5π/12 रेडियन। ये θ1 है, ये θ2 है। अब देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू जो होता है L/R होता है, जब θ1 है तो R1 हो जाएगा, θ2 रहेगा तो L/R2 हो जाएगा। अब यहां थीटा का वैल्यू रखते हैं हम, थीटा का वैल्यू रखकर L पता करेंगे, यहां भी थीटा के वैल्यू, θ2 का वैल्यू रखकर L1 पता करते हैं। तो यहां π/3 इक्वल टू L/R, ये R1 यहां चला जाएगा, तो π R1/3 इक्वल टू L, और यहां पर भी पाई थीटा का वैल्यू रखते हैं 5π/2L R2 इक्वल टू L। अब यहां पर देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, L दोनों बराबर हो गए, इस प्रकार इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो हम लिख सकते हैं π R1/3 इक्वल टू π R2/2L। अब इस चीज को हम यहां लिखकर सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। π R1/3 इक्वल टू 5π R2/2L, R2 को नीचे लाते हैं, बाकी को भेजते हैं उधर, R1/R2 इक्वल टू 5π/2L, पाई नीचे आएगा 3 ऊपर चला जाएगा, पाई पाई कट गया 3 से, ये 12 कट गया 4, R1 अपान में R2 इक्वल टू 5/4, अर्थात R1 रेशियो R2 इक्वल टू जो होगा हमारा 5:4 होगा। ये सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, कैसे कैसे हुआ फिर से समझा देते हैं। दो ठो सर्किल है, यहां पर C1 और C2 है, ये 75 है, ये R2 है, ये C2 है, यहाँ O' है। तो इन दोनों सर्किल के रेडियस R1 R2 मान लेते हैं कि है, रेशियो पूछा है कितना होगा, दोनों का एंगल 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो थीटा को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और थीटा इक्वल टू L/R होता है, क्योंकि L/R इसलिए रख रहे हैं कि दोनों का आर्क सेम है, जो कि L बोलते हैं आर्क को यहाँ पर, और L को हम सेम करेंगे, और L इक्वल टू θ1 इंटू R1 लिखेंगे, और L इक्वल टू θ2 इंटू R2 लिखेंगे। दोनों को सेम करने के बाद यहां पर सोल्यूशन कर दिए हैं, R1 को ऊपर R2 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि पहले R1 सर्किल 1 को और फिर बाद में सर्किल 2 को यानी R2 को लिखेंगे। तो हमारा जो रेशियो कटाने के बाद आया है 5:4 आया है। ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और
नेक्स्ट क्वेश्चन सेन वाला भी जल्दी उसको आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा और प्यार बढ़ाइएगा अपना। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसको भी बहुत मन से देखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।